नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। और आज हम सब बनाएंगे रायता, जो खाने के साथ यूज़ करने में हम लोग का पाचन भी बहुत अच्छा रहता है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग बथुए का रायता बनाएंगे। बथुआ, पहले के मेरे वीडियोस बथुआ का पराठा और वगैरह देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। बथुआ की कढ़ी, ये बथुआ है। इसको हम रायता बनाने के लिए सॉफ्ट पार्ट ऐसे निकाल लेते हैं और इसको यूं पकड़ के जितना भी रहेगा उसको ऐसे काट लेंगे। तो हमारा हो जाएगा ये ऐसे काट के। मैं 50 ग्राम बथुआ, एक आदमी के लिए रायता बना रही हूँ, 50 ग्राम बथुआ और 150 ग्राम दही लेके रखी हूँ। और इसमें डालना क्या है आपको, नमक, जीरा भुना हुआ, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च। काली मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। और एक और मेथड है, जो पातोरी मेरा आप लोग देखेंगे तो उसमें दही में मैं चीनी और नमक मिला के जो वेरिएशन तैयार की हूँ, यदि आप चाहें तो डालिए, लेकिन वो फ्रूट रायते में ज़्यादा बेटर लगेगा, आपको साग रायते में उतना अच्छा नहीं लगेगा। डालना चाहें तो भी डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा। और तड़के के लिए राई और एक लाल खड़ी लाल मिर्च। तो अब हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले इसको फेट लेंगे, इसको ऐसे फेटेंगे, दही को अच्छे से फेट लेंगे। अब इसमें जिनको अंदाजा है वो अंदाजे से डाल लें, और जो बिगनर्स हैं वो अपना थोड़ा सा पहले डाल के टेस्ट कर लें, उसके बाद डालें। 1/8 पार्ट इसमें पड़ेगा, 1/6 पार्ट के लगभग टी स्पून नमक पर इसे डाल के फेंट लेते हैं। फिर इसमें थोड़ा पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी। ये कंसंट्रेशन देखिए, थोड़ा सा और वो करेंगे हम। ये हमारा हो गया। आप अगर दही अधिक चाहें तो आप इसमें 200 ग्राम भी दही ले सकते हैं। मैं 150 ग्राम ली हूँ, क्योंकि इतने में भी अच्छा बन जाएगा। अब आगे हम इसमें अन्य सामान डालेंगे। अब हम इसमें ये बथुआ डाल देंगे। आप पेस्ट बना के यूज़ करना चाहें तो पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं, मैं पेस्ट नहीं बना रही हूँ। और इसे ऐसे इसमें ये देखिए डाल दें, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, काला नमक, बथुआ उबला हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा काला नमक टू टेस्ट, जितना तीखा आप खाएं उसके अनुसार लाल मिर्च। गोल मिर्च ऑप्शनल है, एकदम जरा सा, दो दो चुटकी, एक चुटकी आप गोल मिर्च डालें। और उसके बाद ऊपर से ये भुना हुआ जीरा, ये आपके लिए पाचक का काम करेगा। ये हमारा रायता तैयार हो गया। अब इसे मिक्स करके आप सर्व करें। अभी हम इसको ऊपर से राई, अगर आपके पास करी पत्ता है तो करी पत्ता, और खड़े लाल मिर्च से तड़का देंगे। इसमें 1/4 या 1/6 टीस्पून राई डालेंगे। करी पत्ता हो तो करी पत्ता ले लीजिएगा, आप चाहें तो जैसे पहले मैं रायता दिखाती हूँ आप उतने में ही सर्व कर सकते हैं, ये तड़का ऑप्शनल है, लगा दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमारा तड़का तैयार हो गया, अब इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। अब ये रायता बनाइए, खाइए, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस दीजिए।
आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, लेकिन चैनल जरूर देखिए। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।